So, यहाँ पर हमने अभी कुछ पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि जो जो लिम्फॉइड ऑर्गन है दे आर ऑफ द टू टाइप्स आउट ऑफ वेज पेयर्स है इट इज दी लिम्फॉइड ऑर्गन लेटेस्ट टेक इट देयर तो क्या होगा लिम्फॉइड ऑर्गन्स में हमारे लिम्फोसाइट्स का मैचोरेशन फॉर्मेशन और डिफ्रेंसीशन होता है लिम्फॉइड ऑर्गन में लिम्फोसाइट्स का मैचोरेशन फॉर्मेशन और डिफ्रेंसीशन होगा सभी लिम्फोसाइट्स का जो फॉर्मेशन है वो होगा बोन मैरो में तो बोन मैरो इज वन ऑफ द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन फिर बी सेल्स का मैचोरेशन और डिफ्रेंसीशन बोन मैरो में होगा जबकि टी सेल्स का मैच्योरेशन और डिफ्रेंसीशन होगा हमारी थाइमस ग्लैंड में यहाँ से माइग्रेट करके जो हमारे लिम्फोसाइट्स है वो चले जाएंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जहाँ पर क्या होगा प्रोलिफरेशन होगा क्लोन्स बनेंगे या एंटीजन और पैथोजन या लिम्फोसाइट के बीच में इंटरेक्शन होगा तो बेसिकली ये जो सेकेंडरी लिम्फॉयड ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं लिम्फ नोड टॉन्सिल्स है अपेंडिक्स है पेयर पैचेस है स्प्लीन वगैरह है तो लिम्फोसाइट से रिलेटेड जो लिम्फोसाइट के मैचोरेशन में प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे वो लिम्फॉयड ऑर्गन हैं एंड पेयर पैचेज इज़ वन ऑफ द सेकेंडरी लिम्फॉयड ऑर्गन तो क्लियरली इट प्रोड्यूसेज इट इज़ रिलेटेड विद द लिम्फोसाइड कहाँ होंगे पेयर पैचेज दे आर एक्चुअली दीज पेय पैचेज आर द लिम्फेटिक एग्रीगेट्स इन द इलियम पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दे आर द लिम्फेटिक फॉलिकल्स एग्रीगेट्स बोल सकते हैं या फॉलिकल्स होंगे बोल सकते हैं इन इलियम रीजन स्मॉल इनपै so बनाए, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, है या जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है रिपोर्डक्टिव ट्रैक्ट है वहां पर म्यूकसियम के थ्रू हो रहा है, mucus, हो रहा है. है, है वो नहीं यह, यह, उसका कोई रोल नहीं है इट्स पेनक्रियाटिक एनजाइम प्रोटीन डाइजेस्टिंग प्रोटीओलाइटिक एंजाइम है एंटेरोकाइनेस इज आल्सो एन एंजाइम इंटेस्टाइनल जूसेस में प्रेजेंट होगा तो वी कैन राइट दैट इट इज एन इंटेस्टाइनल एंजाइम तो आंसर इज गोइंग टू बी बी लिम्फोसाइट्स ये जो पेयर्स पैचेस हैं वो क्या कर रहे हैं वो लिम्फोसाइड्स से रिलेटेड है दैट इज वाई बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर